तो नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश शर्मा आगरा यूपी से, और आपका स्वागत करता हूँ अपने एक और न्यूज ब्लॉग में। तो फिर से हम आ गए भाई एक बार से ट्रांसपोर्ट नगर आगरा में, और यहाँ पे अपनी गाड़ी का काम क्या करा रहे हैं मैं बताता हूँ। बम्पर है दोस्तों, हम अपनी गाड़ी में बम्पर का काम करा रहे हैं। पहले इसमें लगा हुआ था सादा बम्पर, अब इसमें लगा रहे हैं लाइट वाला बम्पर। सादा बम्पर से पुराना मॉडल गाड़ी लगती थी, अब इससे थोड़ा ऊंचा मॉडल लगेगी, इस पे कलर भी कराएंगे। प्लस इसमें रात को गाड़ी चलने की वजह से लाइटों में दिखता नहीं था, गर्मी का टाइम है, रातों में गाड़ी ज्यादा चलती है, दिन में कम चलती है। फिर इसका टूल वूल भी चेंज कराना है, तो इसलिए हम इसको चेंज करा रहे हैं। फिर चेंज कराने के बाद आपको दिखाते हैं कैसी लगती है गाड़ी। आ जाओ भाई, चेक करते हैं अपना बम्पर लगा के नहीं लगा। और अपने साथ हैं दीपक भाई, आ गए मथुरा से, इनकी भी गाड़ी का काम हो रहा है, इनकी वजह से मैं यहाँ लेकर आया था। तो ये देखिए भाई, चेक करो, ये बम्पर लग गया अपना, ठीक है, नंबर प्लेट भी लग गई। अब इसकी लाइटें रह गई हैं, वो लगवा देंगे, और इधर खम्भे खड़े करवाने हमको स्टील के, है ना भाई। तो फिर उसके बाद टूल का काम होगा, अगर मिस्त्री ने सही से रेट बता दिया तो, जब बनेगी इसको, फिर कलर का देखेंगे आगे पीछे कभी। तो भाई अब हम आए हैं, शाम हो गई नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ते में ऐसा कुछ खास नहीं है। देखो हमारे यहाँ पर श्रीराम पूड़ी वाले, आपको पीछे दिख रहा होगा, तो इनकी पूड़ी रात भर चलती है, दिन भर चलती है, लेकिन हमने लिया है लस्सी शाम के टाइम भी। एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा ठंडा हो जाएंगे, ठंडा होने के बाद में घर जाएंगे, खाना खाएंगे। अब भैया तो यहीं सोएंगे, तो अभी हम फिर गाड़ी पर जा रहे हैं ये लस्सी पीने के बाद, उसके बाद आपको मिलते हैं ज़रूर सुबह। तो दोस्तों हो चुके हैं सुबह, और हम आ चुके हैं फिर से ट्रांसपोर्ट नगर में। तो अभी हमारी गाड़ी का देखो फर्श का काम चल रहा है, तो फर्श के काम में हमें फर्श का काम नहीं कराना, लेकिन जैसे ये नट है ना, देख रहे हो ना, ये पूरे लूज पड़े हुए हैं, देखो ये सारे नए पड़ेंगे। और एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, तो अंदर आ गया मैं, देख रहे हो ये जो बर्गर रहता है और ये चेसिस रहता है, उसके एक भी नट नहीं है, ये भी सारे नए पड़ेंगे। ये इसका लूज पड़ा हुआ है, देखो ये इसका भी लूज पड़ा हुआ है, ये सारे आगे तक पूरे नए पड़ेंगे। दोस्तों वो नट वोट चेंज करने के लिए दो फट्टे इधर साइड के खुलेंगे, दो फट्टे उधर साइड के खुलेंगे, जिससे हमारी गाड़ी ना रोड पर मोड़ पे या खेत में केला भरने जाती तो झोल नहीं मारेगी। फर्श खुल गया इधर का भी और इधर का भी, इधर चल रही है भाई गैस कटर से कटाई नट वोट का भी। तो पीछे का काम ये साइड का तो हो गया, ये फट्टा भी लग गया, इधर का भी हो गया, लेकिन ये फट्टा नहीं लग पाया, अभी फट्टा लग जाएगा ये वाला। लेकिन चेस का जो रहता है वो ये फट्टा उगाड़ दिया, अभी चेस वाले बोल्ट रह गए। आगे मैं दिखाऊं तो देखो इस तरीके से, ये नया बोल्ट साइड वाला और नीचे वाले भी ये, और आगे भी काम चल रहा है अपनी गाड़ी में। आगे क्या काम चल रहा है, वायरिंग का। देखो ये लाइट है ना अपनी आगे वाली, तो ये वाली लाइट में पता नहीं होली के टाइम पर किसी ने देखो कुछ मार दिया था, तो ये टूट गई थी, तो इसका केवल कांच बदलेंगे अंदर की, वो सही है। तो ये वाली अपनी सही है। ये जो सामान आया देखो नया नीचे वाले बम्पर के लिए, वो लाइट और ये दो इंडिकेटर, ये वाली लाइट है। ये सामान थोड़ा सा ही सामान समझ लो, स्विच वगैरह, ये पूरा 2200 रुपये का सामान आया। और ये कटोरे टाइप के ये जो पीछे लगते हैं उसमें, ये 2200 रुपये का आया है। तो इसका कांच चेंज करते हैं फिर हम। तो इसका कांच ना ये वाला डल जाएगा ये टूट के, तो अभी इसको मैं ही फिट कर रहा हूँ अभी कांच वाँच। बाकी की वायरिंग का मिस्त्री जो आ रहा है वो खाना खाने गया है, वो आके करेगा, जब तक मैं इसको कर लेता हूँ, क्योंकि जल्दी हो जाएगी थोड़ी सी। फाइनली दोस्तों अपनी लाइटों का तो काम हो गया, चार लाइटों में चारों न्यू बल्ब डाले हैं बिल्कुल 150 वाट के, और एक बल्ब की कीमत करीब 200 रुपये। और ये देख रहे हो ये वाली सिड्डी, ये पैर रखने वाली, ये हमने अपने कबाड़े से ही ली है करीब 500 रुपये की, नहीं तो ये 3000 रुपये की बनती है बॉडी वाले पे। और हमारा जो बम्पर है वो बम्पर की वैल्यू मैं आपको बताता हूँ, करीब 3000 रुपये का बम्पर लिया था, 1000 रुपये उसने डालने के लिए। और भाई ये लाइटें अपनी पुरानी वाली हमने दोबारा से लगवा दी हैं, अब चारों लाइटें जलेंगी, जब रात को देखना क्या मज़ा आएगा। तो ठीक है दोस्तों पीछे चलते हैं, अब पीछे आपको काम दिखाता हूँ मैं, क्या काम रह गया अपना। ये देखो भाई अभी शाम हो गई, अभी एक काम चल रहा है, लेकिन शाम तक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दोस्तों शाम हो गई और हमारी गाड़ी का फर्श तो ओके हो गया, वैसे फर्श तो हमारा ओके ही था, बाकी ये नीचे बोल्ट डलाने के लिए हमें फर्श खुलाना पड़ा। तो ठीक है दोस्तों मैं जा रहा हूँ घर, फिर मिलता हूँ मैं आपको सुबह। तो एक बार फिर से हम सुबह सुबह आ चुके हैं ट्रांसपोर्ट नगर, और आज तीसरा दिन है। तो फिर कल अपना फर्श का काम हो गया था, आज पेंट का काम जा रही है, देखो पुट्टी लग रही है ना, तो ये इंडिकेटर खोलने पड़ेंगे और ये मूंछ खोलनी पड़ेगी। और ये हमारे सब ये चौधरी साहब खड़े हैं ना, दीपक भाई, ये करा रहे हैं, बोले भाई चेंज करा लो, पुरानी सी लगती है, ये है वो है,
कभी गाजियाबाद हरिद्वार वहाँ कहाँ कहाँ जाती है NCR में। मैंने कहा चलो ठीक है, टूल का भी काम बिल्कुल, हमारा टूल देखो गल गया है, टूल का भी देखेंगे, अगर पुराना कोई कबाड़े में मिल जाता तो टूल भी इसका रखवाई देंगे, 1500 का आएगा। ठीक है, अभी पेंट का काम होगा, वाइट पेंट करा रहे हैं और पूरा केबिन भी कराएंगे, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये जो कलर कराने से पहले ना खा थोड़ा सा बेंड है, और इसको करने के लिए ये खोलना पड़ेगा टापा, तो ये इसे ग्राइंडर से काट के पहले इसको करेंगे। और उधर हमारा काम चल रहा है अब जाल बनाने का, ये टंकी के ऊपर जो जाल होता है। हाँ, तो भाई मिस्त्री लोग आ चुके हैं टेंट वाले, तो ये छोटी बड़ी जो भी टेंट है सब निकालेंगे। देखो ये तो निकल गई ना, और अभी और बारीकी से निकालेंगे इसको। दोस्तों टूल खुल गया हमारा, और इसके बदले में लगाएंगे हम लोहे वाला टूल, जो कि आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। पहले हमने जैसे आगे का बम्पर चेंज कराया वैसे पीछे का कराएंगे, तो आओ चलते हैं फिर पीछे को। तो बम्पर काट रहे हैं भैया हमारे, देखो गैस कटर से, ये बम्पर ना भद्दा लगता था, पूरा बैक का जो डाला था इस बम्पर की वजह से बुरा लगता था। देखो ये बम्पर लगने के बाद आप भी कहोगे कि गाड़ी बाकी जम रही है, तो लगने के दोस्तों हमारी टंकी का जाल बनना स्टार्ट हो चुका है, और ये जब बन जाएगा जब आप देखना। और ये टूल था दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था, और ये टूल का भी मरम्मत चल रही है, और ये पेंट होने के बाद बाकी दोस्तों इतना मस्त लगेगा। टूल हो गया भाई, सॉरी ये जाल हो गया कंप्लीट, और इस पर पेंट और घिसाई होगी, घिसाई के बाद में वो दूसरा पीछे वाला, और ये चाचा लगे पड़े हैं अपना टूल को लगाने में। और टूल जब तक पेंट नहीं होगा जब तक मज़ा नहीं आएगा इसमें। तो दोस्तों ये बन रहा है लेफ्ट साइड का जाल, यानी कनेक्टर साइड का जाल, और पीछे रह गया ये स्टेपनी वाला, ये भी बन जाएगा शाम तक। तो ये देखो पट्टी भरी जा रही है, जहाँ जहाँ ये हमारी चद्दर गल गई थी ना वहाँ पट्टी भर रहे हैं। तो दोस्तों तीसरे दिन की शाम हो गई, और आगे का जाल हमारा ये कनेक्टर साइड का है, और ये पीछे वाला भी अभी बन रहा है, बस थोड़ी देर में बना देगा 10-20 मिनट में स्टेपनी का। तो अभी इस पर पेंट भी होगा, और टूल हमारा कस के हो गया कंप्लीट, उसका सामने वाला बस वो रह गया है जो मत्था बोलते हैं। तो इस पर पेंट मरेगा कल संडे, कल डालेगा, और लिखाई जो होती है वो मंडे को होगी। तो ये ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इस ब्लॉग को पार्ट वन में यहीं तक समाप्त करता हूँ आज ही, और कल पार्ट सेकंड में हम फिर इस पर पेंट वेंट मरवाएंगे, और इस पर खम्भे खड़े होंगे, और फिर जो भी है देखते हैं कैसा कलर डलवाने के बाद कैसी लगती है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, बाय बाय।